हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूं। आपको पता है कि एग्जाम आपके आने वाले हैं विधान परिषद, और मात्र 22 नवंबर डेट आ रही है जहां कि 22 नवंबर को शायद पेपर होने वाला है आपका। अगर हम बात करें 22 नवंबर को पेपर है और आज से अगर जोड़ा जाए तो आपके पास मात्र आखिरी के कुछ दिन बचे हैं जिसमें आपको तैयारी करनी है। तो आप कैसे तैयारी करेंगे? क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है? क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा उस पर गौर करना है, आपके एग्जाम आसानी से निकल जाएं? क्योंकि अभी तक आपने पढ़ाई कर ली होगी जितना आपको पढ़ना है, लेकिन ये लास्ट के जो ओवर्स होते हैं, लास्ट के जो डेज होते हैं, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हम इन्हीं पे आपसे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो द टॉपिक इज आखिरी दिनों में कैसे करें तैयारी परीक्षा की, विधान परिषद के लिए जो 10 दिन बचे हैं उनमें क्या पढ़ें और क्या ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपने ये 10 चीजें कर ली, या आपको जो भी चीजें मैं बताने वाला हूं अगर आपने ये फॉलो कर लिया, तो मैं आपका जो रिजल्ट अभी 50% 50-50 का था, अब वो 80-20 में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर का पैटर्न वही होने वाला है, पेपर वैसे ही होता है और गलतियां वही होती हैं जो एस्पिरेंट्स करते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए, देखते हैं। लेकिन उसके पहले आप यहां पे मेरे बारे में देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं अपने बारे में तो मेरी क्वालिफिकेशन आप यहां पे देख सकते हैं, मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को आप देख सकते हैं, और इन एक्सपीरियंस को ही मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस एक्सपीरियंस के ही बदौलत या इस एक्सपीरियंस के होने के बाद ही मैं आपसे ये पॉइंट रख पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए कई सारे बच्चे हैं जो आज जॉब कर रहे हैं, अच्छी जगह पे सेलेक्टेड हैं, और वो क्या किया उन्होंने, उन्हीं सब की चीजों को मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लास्ट डेज के लिए जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो क्या है, उन्हीं पे बात करूंगा। इसलिए आखिरी तक वीडियो को देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है अपने एग्जाम को निकालने के लिए। सो गाइस, पहली चीज जो आपके सामने दिख रही है वो है कीप रिवाइजिंग एंड इंक्रीज आवर ऑफ स्टडी। यहां इंग्लिश में मैंने मेंशन किया लेकिन समझाया आपको पूरा हिंदी में जाएगा। कीप रिवाइजिंग मतलब अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको भूलना नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि आप नया पढ़ने के चक्कर में, नई चीजें देखने के चक्कर में, नया मिल जाए और क्या आ जाएगा, और क्या मिलेगा, इन सब के चक्कर में बेड़ा गर्क हो जाता है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, जितनी चीजें अभी तक आपने कलेक्ट करी हैं उनको रिवाइज करते रहो, कि जितनी चीजें आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में है कि नहीं है, वो रिवाइज करते रहो। और अभी तक अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे थे, 8 घंटे पढ़ रहे थे, तो इंक्रीज योर आवर्स, अपने आवर्स को बढ़ाइए। अभी आपको आप समझो कि ऐसे समझो कि जब क्रिकेट मैच होता है, अभी IPL चल रहा था, आज शायद फाइनल है उसका, जब आपका मैच होता है तो आप क्या करते हो, एक ओवर में जो 6 रन चल रहे थे, एक ओवर में जो 7 रन चल रहा था, एक ओवर में जो 8 रन चल रहा था, अब बल्लेबाज क्या कर रहा है, आखिरी के ओवरों में क्या करता है, एक ओवर में 20 रन मारता है, एक ओवर में 25 रन मारता है। क्यों? वो क्या बढ़ाता है, इंक्रीज करता है क्या, रन रेट। आपको यहां पे रन रेट नहीं इंक्रीज करना है, यहां पे आपको इंक्रीज करना है क्या, आवर्स ऑफ स्टडी। अभी तक अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे थे, 7 घंटे पढ़ रहे थे, तो अभी आप आवर्स बढ़ा दोगे, इधर आवर्स बढ़ाओगे घंटे बढ़ेंगे, इधर कंटेंट आपका दिमाग में बैठता रहेगा। रिवाइज करते रहिए, सिर्फ किताबें खोल के रिवाइज की बात नहीं कर रहा हूं, जिस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन याद रखना आवर्स ऑफ स्टडी आपको बढ़ाना है। और जो चीजें अभी तक आपने पढ़ी है उससे संबंधित क्वेश्चन ढूंढते रहिए, उससे संबंधित क्वेश्चन क्या-क्या हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहां मिल रहे हैं, क्या-क्या क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है, नया टॉपिक एकदम नहीं छूना है। तो आपको क्या करना है, आवर्स को इंक्रीज करना है, पहली चीज, अपने घंटे को बढ़ाने हैं। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे थे, अगर आप अभी 2 घंटे पढ़ रहे थे, जस्ट डबल इट, जस्ट इससे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, अब आप
4 घंटे पढ़ो। अगर आप अभी 8 घंटे पढ़ रहे थे तो अब आप 16 घंटे मत कर देना डबल, लेकिन हाँ अब आप 10 घंटे की कैपेसिटी बढ़ाओ, 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, या 12 घंटे हो पाए तो पढ़ना शुरू कर दो अगर आपको कॉम्पिटिशन निकालना है। सो गाइज आपको क्या करना है, क्या करना है फिर से बोलो, आपको आवर्स ऑफ स्टडी बढ़ानी है, मतलब आपको जितने घंटे आप पढ़ रहे थे उससे ज्यादा पढ़िए, और पुरानी चीजें क्या करनी है रिवाइज करिए, पुरानी चीजें क्या करनी है रिवाइज करते जाओ, जितनी भी चीजें भूलनी नहीं चाहिए, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में, आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके जेहन में होना चाहिए कि कहीं भी अगर क्वेश्चन का वो वर्ड दिख गया तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करे, हाँ इसका तो ये आंसर होने वाला है, इतना जल्दी आपको क्वेश्चन करना है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखना है, पहले पॉइंट में मैंने दो चीजें बोली है, क्या आवर्स ऑफ स्टडी बढ़ाइए और क्या करिए रिवाइजिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप रिवाइजिंग, जो भी चीजें आपने जीएस में पढ़ा है, हिस्ट्री में पढ़ा है, ज्योग्राफी में पढ़ा है, पॉलिटी में पढ़ा है, या विधान पर जो भी चीजें आपने पढ़ी है, हिंदी में पढ़ा है, ठीक है, जिस कंटेंट को आपने पढ़ा उसको रिवाइज करो, क्योंकि ये पूरा एग्जाम ही किसका है, जीएस और हिंदी का है, मेन जो कंटेंट है इसके वो क्या है याद करने वाले हैं, और याद कैसे होगा जब आप उसे कॉन्सेप्चुअल पढ़े होंगे, लेकिन अभी आप उस पे भूल जाओ कि हमने कैसे पढ़ा कैसे नहीं पढ़ा। आखिरी के 10 डेज में, आखिरी के ओवर में, आपको पता है ना आखिरी के 2 ओवर में राहुल तेवतिया भी आके मैच को बदल देता है, 5 छक्के मार देता है, तो आखिरी के 10 दिनों में आप भी अभी तक अगर आपने तैयारी नहीं की तो मैच बदल सकते हैं, अभी भी टाइम है आपके पास। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लाइव टेस्ट और क्विजेस ऑन स्पेशल क्लास। अब मैं थोड़ी सी आपके फायदे की बात करता हूं, आप क्या करते रहो, टाइम निकालो, लाइव टेस्ट देते रहिए, लाइव टेस्ट बहुत जरूरी है, लाइव टेस्ट देते रहिए और क्विजेस करते रहिए, ये क्विज और जो ये चीजें हम करवाते हैं आपको, हम करवाते हैं कहां पे, स्पेशल क्लास पे, अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे आइए, अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे, और सिर्फ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उन स्पेशल क्लास को अटेंड करो जहां पर क्या करवाया जा रहा हो, लाइव टेस्ट करवाया जा रहा हो, जहां पे क्या करवाया जा रहा हो, क्विज करवाया जा रहा हो। बहुत से लोग स्पेशल क्लास में पढ़ा रहे हैं, नहीं नहीं उसमें नहीं जाना है, आखिरी के 10 दिनों में उसमें नहीं जाना है, सिर्फ कौन से स्पेशल क्लास अटेंड करने हैं जहां पर क्या चल रहा हो, लाइव टेस्ट चल रहा हो, और वो भी लाइव टेस्ट क्या आईआईटी वाईटी का नहीं, आपके मतलब का, जहां पे लाइव टेस्ट चल रहा हो, जहां पे आपके एग्जाम को फोकस किया जा रहा हो, विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद को फोकस किया जा रहा हो, रेलवे की बात करें तो जहां रेलवे को फोकस किया जा रहा हो, ऐसी जगहों के लाइव टेस्ट पकड़िए। स्पेशल पे सुबह से लेके शाम तक कई सारी क्लासेस चलती हैं, कई सारी क्लासेस, आप जिस कैटेगरी में हैं, मान लो आपका यूपीपीएससी है, यूपी ट्रिपल एससी है, तो आप अगर इस कैटेगरी में हैं तो इस कैटेगरी में जाइए, इस कैटेगरी में सुबह से शाम जितनी लाइव क्लासेस होती हैं उन लाइव क्लासेस में आखिरी के 10 दिनों में क्या करना है, लाइव टेस्ट देखिए। स्पेशल क्लास में फ्री भी होता है तो इसका कोई चार्ज भी नहीं लगता है, फ्री होता है, तो आपको क्या करना है, मोबाइल खोलना है, क्योंकि किताबों से पढ़ने से ज्यादा बेहतर है आप लाइव क्लास करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर आपको एग्जाम का एक मेथड मिलता है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, आपके सामने पोल होगा, क्लिक करेंगे, ये चीजें क्या है, किताबों से आप पढ़ रहे हो तो वो हैबिचुअल हो गए हो, किताबों से चीजें पढ़ने की हैबिट हो गई, लेकिन जब आप ऑनलाइन पढ़ोगे, क्लिक करोगे, आंसर देखोगे, तो वो प्रेशर जो आपको जनरेट होगा एग्जामिनेशन हॉल में, वो प्रेशर रिलीज होगा, क्यों, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस हो चुकी है इस चीज की, कहां पर, स्पेशल क्लास पे हमने करवाई है प्रैक्टिस आपको। सो आपको क्या करना है, लाइव टेस्ट देते रहना है, क्विजेस देते रहना है, 10 दिन में आप चाहो तो 30, 40, 50 क्विजेस जो जो करा रहे हैं, जितने टीचर करा रहे हैं सबका अटेंड करो, सबका अटेंड करो, जो आपको बेनिफिशियल लग रहा हो, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको करना है, पहली चीज मैंने क्या बताई, कीप रिवाइजिंग, रिवाइज करते रहना है, और क्या करना है, आवर्स ऑफ स्टडी बढ़ाना है। दूसरी चीज मैंने क्या बोला, लाइव टेस्ट देना है और क्विजेस देते रहना है, कहां पर, अनअकैडमी। अभी तक जो मुझे सबसे बेस्ट लगा है वो अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे जो क्विज कराई जाती है और जो लाइव टेस्ट कराया जाता है, एमसीक्यू कराया जाता है, मैं खुद कराता हूं, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि मैं कितने बजे आता हूं, अगर आप वहां पर भी अटेंड करते हो तो बहुत फायदा मिलने वाला है। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस, अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप नए क्वेश्चन जनरेट करो, या कोई ऐसा टाइम नहीं है, तो अभी आपके पास खाली टाइम मिले तो ऐसा देखो कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है। जैसे मैं जो एमसीक्यू कराता हूं, उन एमसीक्यू में मैं 2 तरीके क्वेश्चन कराता हूं, एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं, जो बन सकते हैं, और दूसरा
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं, इन्हीं दोनों का ही समीकरण बनता है आपके परीक्षा में। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें यह अंदाजा लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, कहां से कम क्वेश्चन होते हैं, कहां से इक्का दुक्का होता है, कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। ये सारी चीजें हमें कहां से अंदाजा मिलती है, प्रीवियस ईयर से। और इसी से अंदाजा लगा के हम लोग अपने एक्सपीरियंस को यहां पर लगाते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है, आने वाले क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं अगर इनके आधार पे देखा जाए। तो दो तरीके के एमसीक्यू मैं आपको कराता हूं। वो कौन कौन से एमसीक्यू होते हैं बेटा? एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो क्वेश्चन आ सकते हैं, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं। तो यही वाले एमसीक्यू आपको करने हैं, और फोकस किस पे करना है? प्रीवियस ईयर से। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फोकस करते हैं तो आपको यह मालूम चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जब उससे यह मालूम चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मालूम चल जाएगा क्या आ सकता है। जैसे मान लो अगर पूछ लिया 1857 की क्रांति के बारे में, तो इससे यह मालूम चला कि मॉडर्न से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया किसी महमूद गजनवी के बारे में, या आपसे पूछ लिया जलालुद्दीन अकबर के बारे में, तो आपको यह मालूम चल गया कि मुगल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। दिस इज द ये मेथड होता है आपको पढ़ने का। तो आप ऐसे एमसीक्यू करिए जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हो या जहां पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए जा रहे हो। ये दोनों चीजें मैं आपको अपने एमसीक्यू में करवाता रहता हूं स्पेशल पे, लेकिन आपको तैयारी भी इसी लहजे में करनी है जो बता रहा हूं। अगर ये चीजें आपने कर लिया तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको इस एग्जाम में पास होने से रोक ले। अब बात करते हैं चौथे टॉपिक पे। डोंट पिक न्यू टॉपिक बाय योरसेल्फ। अपने आप से कोई नया टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप कोई क्लास कर रहे हो और जिसकी भी क्लास आपको पसंद आ रही है, जिसकी भी क्लास आपको पसंद आ रही है, फैकल्टी या जिस एजुकेटर की भी आप क्लास कर रहे हो, अगर वो कोई नया टॉपिक विद इन दिन उसी दिन आपको समझा दे रहा है, आपको बता दे रहा है, तो उतना ही पढ़ लीजिए जितना उसने बताया है। अपने आप से कोई नए टॉपिक पे रिसर्च करने की आवश्यकता अब आपको नहीं है। जैसे मान लो मैंने आपको कोई एमसीक्यू कराया और उसमें मैंने कोई नया टॉपिक आपको बता दिया कि ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, तब ये चीज तो आप पढ़ लीजिए। लेकिन अपने आप से सोचो कि मैं कोई नया टॉपिक देखूं जो छूट गया हो मेरा, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, उस पर टाइम वेस्ट मत करना। उस पर अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो ऐसे हजारों 10,000 टॉपिक मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़ा होगा, और आप उस पर फोकस करने लगेंगे। जब आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो आपको ये कोच ने सिखाया है, कोच आपको सिखाता है कि देखो जब आपको रन बनाना होता है, जीतना होता है, वॉन करना होता है मैच को, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी बॉल खेलनी है, और यह भी मालूम होना चाहिए कौन सी बॉल छोड़ देनी है, जाए भैया जाओ कीपर के पास जाओ। यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि आपको यह चीज बकायदा मालूम होनी चाहिए कि क्या हमें नहीं करना है, क्या हमें करना है अगर यह मालूम है, क्या हमें नहीं करना है यह भी मालूम होना चाहिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो गाइज द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि न्यू टॉपिक अपने आप से मत ढूंढो, न्यू टॉपिक अपने आप से मत ढूंढो कि अरे यार अभी वो नहीं पढ़ा, चलो पढ़ लेते हैं, नहीं 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 पढ़ा है ना, छोड़ दो, ले बे, थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा रखो, पॉजिटिव होके चलिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, वो अलग चीज है, वो हम आगे बात करेंगे। बट क्या करना है आपको? न्यू टॉपिक अपने आप से नहीं पढ़ना है। हाँ, कोई टीचर अगर आप कहीं पे एमसीक्यू कर रहे हो, कहीं पे लाइव टेस्ट दे रहे हो, उसने कोई नया टॉपिक आपको बताया, ये बोल दे कि जाके पढ़ लेना, तब मत पढ़ना। अगर वो उसी क्लास में वहीं पर समझा दे रहा है तब तो बढ़िया है, तो आपको मालूम चल गया वो। लेकिन अगर वो कहे कि ये टॉपिक जाके पढ़ लेना, अब टाइम नहीं है बेटा, अब आपके पास टाइम नहीं है, आखिरी के 10 दिनों में आप उस टॉपिक को मत पढ़ना, मत छूना। सो मेरा अगला पॉइंट यही था, डोंट पिक न्यू टॉपिक बाई योर सेल्फ। अपने आप से कोई नया टॉपिक आपको नहीं चूज करना है। सो द इंपॉर्टेंट थिंग है, मैंने आपको तीन चीजें बताई। पहली चीज, रिवाइजिंग करते रहिए, आवर्स बढ़ा दीजिए, अपने अपने पढ़ने के जो इन आवर्स हैं उनको इंक्रीज करिए। दूसरी चीज मैंने क्या बताई, लाइव टेस्ट दीजिए,
क्विजेस दीजिए कहां पर, स्पेशल क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी चीज मैंने क्या बताया, फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसी से बनेगा क्या, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। चौथा चीज मैंने आपको क्या बताया कि जो भी आपको नया टॉपिक लगा हो, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा हो, ऐसा कोई टॉपिक है, लीव इट, छोड़ दीजिए उसे, उस पर फोकस करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, मेक प्रॉपर टाइम टेबल एंड टेक इंटरेस्टिंग सेशन विच मेक यू मोटिवेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाख पढ़ लो लेकिन मैं आपसे कहूं बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, लाख पढ़ते रहो लेकिन मैं तुमसे कहूं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, यार क्या कर रहे हो तुम, काहे पढ़ रहे हो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं है, क्या कर रहे हो यार, क्यों पढ़ रहे हो भाई, नहीं हो पाएगा। अगर मैं आपसे बार बार ये कहता रहूं और तुम मेरे ही साथ घूमते रहोगे तो इसका मतलब तुम डीमोटिवेट हो रहे हो, और जब तुम डीमोटिवेट हो जाते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि यार मुझसे हो ही नहीं पाएगा, और अगर चीजें होने वाली भी होती है ना बेटा तो हट जाती है, खत्म हो जाती है, लैप्स हो जाती है, क्रैक हट जाती है, मतलब नहीं हो पाता आपसे। क्रैक कब करोगे आप चीजों को, जब आप मोटिवेटेड रहोगे, जब आपको मालूम होगा कह रहे मैं उखाड़ लूंगा, मैं कर लूंगा, झंडे गाड़ दूंगा, इस तरीके की चीजें जब आपके पास होती हैं तो आप क्या करो, पहले तो टाइम टेबल बना लीजिए कि इस टाइम टेबल में मुझे ये चीजें यहां यहां से पढ़ना है। आपको टाइम टेबल मालूम होता है कौन से टाइम पे सर की लाइव क्लास होने वाली है, कौन सी क्लास पे मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकालना है आपको, सेल्फ स्टडी कब करना है, कब मुझे एमसीक्यू करना है, लाइव क्लास कब करना है, कब मुझे सोना है, स्लीप आराम कब करना है, कब मुझे आप कब मुझे क्या करना है, तैयारी करनी है, राइटिंग करनी है, या जो भी चीजें आपको करनी है, जो भी आपके एग्जाम के लिए, कब मुझे जीएस पढ़ना है, कब मुझे जीएस में पॉलिटी क्लास करनी है, कब मुझे हिस्ट्री की क्लास करनी है, ये सारी चीजें आप एक काम करो, प्रॉपर टाइम टेबल बना लो, 10 दिन के लिए, सिर्फ 10 दिन के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए, उसमें ये सारी चीजें नोट कर लीजिए कि हमें कब कब क्या करना है, 10 दिन आपको फॉलो करना है। मेन थिंग उसमें भी आपको ये टाइम भी निकालना है, ऐसे कुछ सेशन देखना है, ऐसी कोई क्लास देखनी है, ऐसा लाइव क्लास देखना है, ऐसे एमसीक्यू देखना है जो इंटरेस्टिंग हो, जो आपको मोटिवेटेड रखे, जो आपको बताएं कि यू आर डूइंग ग्रेट, यू कैन डू ग्रेट, तुम अच्छा कर रही हो या अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छा कर सकती हो या अच्छा कर सकते हो, जो इस तरीके की चीजें आपको मोटिवेट करते रहे, ऐसे सेशन देखिए, ऐसे कोई भी सेशन उठा के मत देख लीजिए, वो बेकार है आपके लिए। इन 10 दिनों में अगर आप कुछ भी उठा के देख लोगे तो वो बेकार है, नहीं, आप जो भी यूज करो वो आपके बेनिफिट के लिए होना चाहिए। अगर वो क्वेश्चंस अच्छे दे रहे हैं तो ओके, अगर वो मोटिवेटेड आपको कर रहे हैं तो अच्छा है। तो मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है और टाइम टेबल रहना बहुत जरूरी है। जब आप एक पंक्चुअलिटी के साथ आखिरी 10 दिन में पढ़ोगे ना, अभी तो जब उठे तब पढ़ने लगे, जब सोए तब पढ़ने लगे, जब उठे जब जगे, जब जहां मोबाइल मिला ये करने लगे, बीच में मैच भी देख लिए, बीच में बिग बॉस भी देख लिए, बीच में कपिल शर्मा को देख लिए, बीच में कुछ भी देख लिए, नहीं, अभी 10 दिन के लिए थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा, आपको मालूम होना पड़ेगा कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या करना है। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, उस टाइम टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनानी है कि कब मुझे लाइव क्लास करनी है, कब मुझे एमसीक्यू करना है, कब मुझे पढ़ना है, कब मुझे सोना है, और उसी बीच में आपको ऐसे सेशन देखने होंगे जो मोटिवेटेड करें आपको, जिससे आप मोटिवेट रहो कि हाँ आई कैन डू इट, ये मेरा आखिरी है, ये मेरा पहला है, वॉट एवर जो भी आपके सामने ये टारगेट दिया हुआ है उसी को क्रैक करना है, और वो कैसे करना है इसके लिए आपको मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। तो ऐसे टीचरों की क्लास करिए, ऐसे एजुकेटर्स के साथ जुड़िए जो आपको मोटिवेट करते रहें, जो आपको ये बताते रहें कि यू कैन डू ग्रेट, यू कैन डू ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट, आप अच्छा कर रहे हो, कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको क्या करती हैं, एक बूस्टर देती हैं, एनर्जी देती हैं, और जब आपके अंदर एनर्जी का प्रवाह होता है तो आप वो चीजें भी कर पाते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। सो गाइज, कीप मोटिवेटेड, अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना, अपने आप को डीमोटिवेट मत होने देना, ऐसे लोग से दूर रहना जो नेगेटिव थॉट वाले हैं, ऐसे लोग से दूर रहना जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हो, चाहे वो
तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, तब तक आप डीमोटिवेट मत होना, 10 दिन के लिए उनको भी छोड़ दो। अगर वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं तब तो वो सच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं आपके, तब तो वो सच्चे मम्मी पापा हैं आपके, तब तो वो सच्चे दोस्त हैं, सच्चे रिश्तेदार हैं, अगर वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। अगर वो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं किसी भी जगह पर, तो इन 10 दिनों के लिए वो आपके एकदम खास नहीं है, उनको रखो बास्केट में और फोकस हो जाओ अपने एग्जाम पे। सो गाइस, द इंपॉर्टेंट थिंग इज मेक प्रॉपर टाइम टेबल एंड टेक इंटरेस्टिंग सेशन विच मेक यू मोटिवेटेड। ओके ओके फाइन, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कीप डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स एंड थॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 चल रहा है भैया, कुछ कहा नहीं जा सकता। 2020 में ऐसे ऐसे लोग मर गए, और जो नहीं, जिनको भगवान नहीं मारा वो खुद ही मर गए। ठीक है, क्या हुआ उनको, वो नेगेटिव थॉट्स आने लगे थे, नेगेटिव चीजें उनके पास आने लगी थी, वो घिर ही नेगेटिव लोग से गए थे। अभी आपको क्या करना है, आपको 10 दिन बचे, इन 10 डेज में आपको किसके साथ रहना है। पहली बात तो साथ किसी के रहना ही नहीं है, अगर कोई है भी साथ तो कैसे लोग होने चाहिए, पॉजिटिव लोग होने चाहिए, सकारात्मक लोग होने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव लोग ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, अरे यार कुछ पढ़ा नहीं है, लग रहा हो नहीं पाएगा, डर लग रहा है, डर लग रहा है। क्यों डर रहे हो भैया, क्यों डर रहे हो, नहीं डरना है, मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको नहीं डरना है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डर गया, गब्बर सिंह ने बहुत पहले यह बात कह दिया था, आज भी वो बात सत्य है, जो डर गया वो मर गया। जिस दिन आप कह देते हो कि मुझे डर लग रहा है, आधा फेल तो आप उसी दिन हो जाते हो, और जिस दिन आप कह देते हो जो होगा देखा जाएगा, आधा सफलता वहीं पर आपको मिल जाती है। सो गाइस, क्या करना है, डरना नहीं है, नेगेटिव नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, नकारात्मक सोच को अपने अंदर से दूर रखना है। वो कैसे रखोगे, वो कैसे रखोगे, सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर बता तो दे रहे हो कि नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, नकारात्मक सोच नहीं आनी चाहिए। कैसे नहीं आएगी, when you will keep yourself busy, जब अपने आप को बिजी रखोगे, जब अपने आप को उसी काम में लगाते रहोगे, जब आपको, मान लो सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्रिकेट, जब आप डेली क्रिकेट खेलते रहोगे, हर बॉल खेलते रहोगे, दिन भर मैदान पे जाके प्रैक्टिस करते रहोगे, तब आपको ये थॉट आएगा ही नहीं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। कब आएगा, जब आप पढ़ नहीं रहे हो, जब आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, बैट बॉल रखा है आपके सामने, खेल नहीं रहे हो, सोफे बैठे हो, थक गए हो, चोट लग गई, तब आपके दिमाग में आएगा यार लग रहा नहीं खेल पाऊंगा। जब आप दिन भर लाइव क्लास कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मैंने क्यों बोला था इंक्रीज योर आवर्स का क्यों बोला था मैंने, क्यों, क्योंकि आप बिजी रहोगे, उसी काम को आप कर रहे होंगे, और जब आप उसी काम को कर रहे होंगे तो इसका मतलब आपके अंदर क्या हो रहा है, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, अरे हो जाएगा, हो रही चीजें याद आ रही हैं। जी हाँ, तो नकारात्मक सोच से अगर आपको दूर रहना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, उसका बिजी रहिए अपने काम में आप बिजी रहो। अब आपका काम क्या है, 10 दिन में आपको पढ़ना है, और जब पढ़ना है तो इसी काम में आप बिजी रहो। जब बिजी रहोगे तो नेगेटिव थॉट की औकात ही नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में आ पाए। भाई इतना थक जाओगे, दिमाग इतना थक जाएगा कि बेड पे जाते ही सो जाओगे, पसर जाओगे, एकदम बेहतरीन नींद आएगी तुम्हें। और अगर नहीं करोगे, नहीं थकान होगी, पढ़ोगे नहीं, फालतू के काम करोगे, अगर तुम्हें पढ़ना है तुम चला मोबाइल रहे हो, रात में तुम्हें पढ़ना है फोन पे गुड नाइट बोल रहे हो, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें बाद में आपके अंदर क्या बनेंगी, नकारात्मक एनर्जी बनेंगी, नकारात्मक सोच बनकर आपके अंदर आएगी, जो आपके लिए नुकसान करेगी। सो गाइस, कीप योरसेल्फ बिजी, बिजी रहना, पढ़ते रहना, इंक्रीज योर आवर्स, अपने घंटे को पढ़ाओ, अगर आप 4 घंटे, क्योंकि आखिरी के समय ही नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती हैं, जो नकारात्मक सोच होती है, वो आपके एन मौके पे ही आपके ऊपर क्या करती है, अटैक करती है, और उनसे बचने के लिए आपको ज्यादा बिजी रहना पड़ेगा। जब आप ज्यादा बिजी रहेंगे तो आप नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सोच से क्या करेंगे, बचे रहेंगे, और नेगेटिव सोच से अगर आप बचे हैं तो समझिए आधी जंग ने तो आपने जीत ली है। ठीक है, सो गाइस, कीप योरसेल्फ बिजी, और बिजी कैसे रहना है, इंक्रीज योर आवर्स, घंटे बढ़ाओ, पढ़ने के घंटे बढ़ा दीजिए, अपने आप बिजी हो जाएंगे तो नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो जाएगा। ठीक है, सो इस पे ध्यान देना है आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब आगे बढ़े, अगर टेक प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट बिफोर एग्जाम, एग्जाम के पहले सबसे पहली चीज, आराम बहुत जरूरी है, इतना भी ना कुछ कर दो कि तबीयत खराब हो जाए,
इतना भी ना पढ़ दो कि बुखार उखार चाप दे आप पढ़े ना पाओ, है ना, पता चला एग्जाम में देना नहीं पहुंच पाए, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो भैया प्रॉपर रेस्ट भी लेना है, खाना भी ठीक ठाक खाना है, और एग्जाम के पहले स्वस्थ रहना भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि पढ़ के आंखें फोड़ दे रहे हो अपनी, एकदम पूरा आंख वाख सब गई, ऐसा थोड़ी पढ़ना है कि अब सर में दर्द हो रहा है, आंखें दर्द हो रही है, नींद आ रही है, थकान हो रहा है। नहीं, आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, यह भी बहुत जरूरी है। मतलब आपके पास 24 घंटा है, तो 24 घंटा में अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो तो याद रखना 6 घंटे कम से कम, 6 घंटे कम से कम सोना जरूर, स्लीप जरूर करना। और हाँ, जब थक जाओ पढ़ते पढ़ते तो नैप भी ले लिया करो। आओ आंख बंद करके थोड़ा सा लेट लेते हैं, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जरूरी है। रेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। इतनी मेहनत मत कर दो कि जब आपको जिस दिन खेलना हो या जिस दिन आपको एग्जाम देने जाना हो उसी दिन आप जा ही ना पाओ मैदान में, तो क्या फायदा हुआ। हमारा एक दोस्त था, जब हम बीटेक करते थे तब की एक कहानी है, छोटी सी कहानी है। वो दोस्त जो था, वो मेरा दोस्त है, कहीं भी होगा सुन रहा होगा, अमित नाम था उसका। तो क्या हुआ, उसके पेपर थे, सेमेस्टर का पेपर चल रहा था, तो दो दिन, आज एक पेपर खत्म हुआ, आज पेपर दोपहर में खत्म हो गया, आज शाम है, कल पूरा दिन बचा है, परसों दोपहर में पेपर है। तो अगर देखा जाए दो दिन का उसके पास टाइम था, और उसका पेपर कुछ तैयार नहीं था। उसने क्या किया, उसने आया पूरा सोया, पेपर दे के आया, खाना पीना खाया, दबा के सोया। शाम को 6 बजे उठा, ठंडी की रात थी, शाम को 6 बजे उठा, आपको पता है जाड़ा में ठंडी में क्या होता है, रात क्या होती है, लंबी होती है। तो 6 बजे सोया, और जब 6 बजे सोया तो सॉरी 6 बजे उठा, चाय वाय पी के बैठ गया एक कमरे में बंद करके अपने आप को, और पढ़ रहा है, दबा के पढ़ रहा है, पूरा एकदम पढ़ रहा है। कोई भी जा रहा है अभी नहीं मिलना है, अभी कोर्स पूरा करना है, क्योंकि उसने पढ़ा था नहीं, दो दिन में कंप्लीट करना था। बीटेक के लड़के ऐसे ही पढ़ते थे, वन नाइट स्टडी करते थे वो लोग, तो यहाँ पे 2 नाइट स्टडी हो गई। पढ़ रहा है, दबा के पढ़ रहा है, एकदम पढ़ रहा है, पूरा दिन पढ़ा है, शाम को पूरी शाम पढ़ा है, सोने गया है 3 बजे, बोला सोने जा रहा हूँ, सुबह हमको 9 बजे उठा देना, हम लोग साथ में ही फ्लैट में रहते थे, बोला सुबह 8-9 बजे हमको उठा देना, तो 6 घंटे की आराम से नींद हो जाएगी, फिर मैं दिन भर पढ़ लूंगा, मैं तैयार हो जाएगा। लगभग तेज लड़का था, बोला, हमने बोला ठीक है भाई, वो सो गया, 3 बजे हमारे साथ आया, सो गया, हम लोग पहले भी सो गए थे। फिर क्या हुआ, तो उसका क्या हुआ, 3 बजे सुबह 9 बजे उठा, फिर पढ़ना शुरू किया, एकदम आगे पढ़ना शुरू किया, और पूरा दिन पढ़ा है, पूरी रात पढ़ा है, एकदम पढ़ता रहा, मतलब मजा आ गया देख के, भैया ये पेपर में टॉप करने वाला है लड़का, इस पेपर में इसका कोई तोड़ नहीं है। जिस हिसाब से वो पढ़ रहा था, एकदम सीरियस हो के भाई, ऐसा भी नहीं कि इधर उधर कुछ बातें बस किताब लेके बैठा है, नहीं, एकदम पढ़ रहा है, पूरा दिन पढ़ा। फिर वो शाम में एक बार टहलने चला गया हम लोग के साथ, बोला चलो टहल लेते हैं, चाय वाय पिया। अगले दिन वो सुबह 5 बजे तक पढ़ा, बोला कि अब रेस्ट चाहिए, यही वाला फार्मूला लगाया, टेक प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट। अब उसने कहा अब रेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, पढ़ा एकदम दबा के था, और 6 बजे उसका पेपर था, 2 बजे से जाना होना था, जाना होता था सेंटर पे 1 बजे, तो 1:30 बजे तक एंट्री होती थी, उसके बाद 2 बजे से पेपर होता था, 2 से 5 पेपर होता था। तो उसने बोला 6 बज गया जब, तो चाय वाय पी के आया, बोला कि अब थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जितना पढ़ा है उनको माइंड में क्या करना है, कलेक्ट करना है। अब सो रहा है, थकान हो रही है, एक तो टेंशन भी हो रही है कि पेपर है 2 बजे, कहीं सोना जाऊं, इन सब करते करते उसको सोते सोते 7:30 बज गया, 7:30 AM पे बंदा सोया है। यकीन मानो मेरे बच्चों, वो उठा कब है, रात में 11 बजे उठा है, ठीक है, 11 PM रात में पेपर ऊपर गया, भाड़ में छोड़ दिया एग्जाम, और ऐसा सोया कि हम लोग उठाते रह गए, उठा नहीं, और एक समय तो ऐसा है, बोला भाड़ में जाए पेपर, मुझे सोने दो। इतनी हावी हो गई, इतना अपने आप को थका दिया था वो, इतना टायर्डनेस अपने अंदर ला दिया था कि उस समय उसकी बॉडी ही नहीं काम कर रही थी कि उठे। ये काम आपको नहीं करना है, इतना नहीं करना है। तो आपको डेली प्रॉपर रेस्ट लेना है। प्रतिभा इतना पढ़ के पूरा तैयार कर लियो, वहीं नहीं पहुंच पाए जहां जाना था, सब बेकार हो जाएगा, सब ले दे के डूब जाओगे। सो गाइस, ये भी याद रखना है कि आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, प्रॉपर स्लीप करना है। ये नहीं कि इतना पढ़ने लगो कि सो ना, बस सोचो कि आखिरी दिन के लिए सर ने बताया है, आखिरी दिन सो, ऐसा सो कि उठो ही ना, है ना, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट,
अब मैं आपको बताऊं कि ये सारी सुविधाएं तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपको अनअकैडमी पे सुविधा कैसे मिलने वाली है। अनअकैडमी इस समय इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और अगर आपको ये चीजें चाहिए, ये सारी चीजें, आपको लाइव टेस्ट देना है, MCQ देना है, पढ़ना है, 10 दिनों में तो आपके पेपर हैं, तो 10 दिनों में आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, स्पेशल क्लास दे सकते हैं, लाइव क्लास दे सकते हैं, क्विजेस दे सकते हैं, मतलब लाइव टेस्ट और क्विजेस की जो क्वालिटी होती है वो सबसे बेस्ट होती ही किस पे है, अनअकैडमी पे। आप चाहो तो अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे आइए, मैं अपने बारे में भी बता दूंगा, आप मेरे MCQ करके देखिए, आपको मजा आ जाएगी, ठीक है, आप मेरे MCQ करके देखिए, आपको मजा आ जाएगी। ठीक है, अब ये लाइव टेस्ट, आपको मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, डेली लाइव क्लासेस आपको मिलती है, कहां पर, स्पेशल पे भी मिलती है और आपको अनअकैडमी प्लस पे मिलती है, तो प्लस का तो अलग ही बेनिफिट है। इन 10 दिनों में तो आप प्लस पे आ भी गए तो क्या कर लोगे, 10 दिन के लिए टारगेट करके मत आना, क्योंकि जब प्लस पे आना तो आप पूरा 1 साल या 6 महीने का टारगेट करके आना कि इन 6 महीने में पूरा कंप्लीट करना है और फिर मुझे मेहनत करनी है इस एग्जाम के लिए, जो भी आपका टारगेट हो, अगला टारगेट भाई इसी में आके तो रुक नहीं जाना है, आगे भी परीक्षाएं होनी है, आगे और अच्छी परीक्षाएं होनी है, और एक सपना है आपका, बड़ा सपना होगा, सपना को साकार करना है, तो ये नहीं कि अगर हार गए तो टूट गए, पेपर अच्छा नहीं हुआ तो टूट गए, नहीं, अनअकैडमी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है, जो टूट गए, जो हार गए, उन्हें यहां आना है। यहां पे तो बहुत से ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जो सिलेक्शन ले चुके हैं, फिर भी हाई पोस्ट के लिए आप क्या कर रहे हैं, वो अनअकैडमी पढ़ रहे हैं, तो आपको भी क्या करना है, अनअकैडमी पे क्या ऐसा चीज है जो आपको खींच रही है इतना, अनअकैडमी पे लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अनअकैडमी बेस्ट है किस चीजों में, डेली लाइव क्लास आपको मिलती है, और लाइव क्लास ऐसे भी नहीं कि कोई भी दे रहा है, इंडिया की जो टॉप एजुकेटर्स हैं, जिनको 10 साल का, 15 साल का, 8 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस हुआ है पढ़ाते पढ़ाते, और जो कहीं अलग अलग संस्थानों में बड़ी ऊंची ऊंची जगहों पर ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, अब वो आपके घर पे आपको अनअकैडमी से ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं, जिनका आपने कहीं बाहर नाम सुना था वो अब आपको कहां से पढ़ाने वाले, अनअकैडमी से आपको पढ़ाने वाले हैं, तो डेली लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेगी, अगर आपने क्लास छोड़ दी कोई वजह, वो ऑफलाइन में क्या होता है, आप जाते हो पढ़ने, अब किसी दिन आपकी किसी दिन किसी का फोन आ गया, आप किसी से मिलने चले गए, लक्ष्मी बम देखने चले गए, तब क्या होगा, तब क्या होगा बेटा, आपकी क्लास मिस हो जाएगी, अब क्लास मिस हो गई तो ऑफलाइन वाला टीचर तो आपको दोबारा नहीं पढ़ाने वाला, क्या करेगा, नहीं पढ़ा पाएगा। ऑनलाइन में क्या है, अगर आप उस दिन की क्लास नहीं देख पाए हो, आओ एक काम करो, ठीक है नहीं देख पाया हूं, कोई बात नहीं, खोलो भैया रिकॉर्डेड पढ़ाए, देखो देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार, इस टीचर को जब चाहे आगे कर लो, जब चाहे मुझे पीछे कर लो, जब चाहे मुझे पॉज कर दो, जब चाहे मुझे बुलवा लो, आपके हाथ की कठपुतली बन गया है कौन, एजुकेटर। ये कहां पर हुआ, अनअकैडमी पे हुआ, इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको कहां मिल रहे हैं, अनअकैडमी पे मिल रहे हैं, अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर्स हैं मैंने आपको बताया वो सब आपको मिलेंगे। अच्छा, लाइव टेस्ट और क्विज, मैंने अभी आपको पॉइंट बताया कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन 10 दिनों में भी आपको क्या करना है, लाइव टेस्ट देते रहना है, लाइव टेस्ट देते रहना है, और ये लाइव टेस्ट आपको कहां मिलेगा, अनअकैडमी स्पेशल पे मिलेगा, फ्री होता है स्पेशल, बिल्कुल फ्री होता है, आप स्पेशल पे आके एक बार देखिए, मजा आ जाएगी, तो आप प्लस पे आइएगा। उसके बाद इकोनॉमिकल, अगर आप प्लस पे आना चाहते हैं तो ये मत सोचो कि बहुत बड़ा महंगा है भैया अनअकैडमी, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बहुत महंगा, बहुत सस्ता है। आप क्या उम्मीद करते हो, आप महीने का कितने रुपए देते होंगे, ऑफलाइन पढ़ते होंगे, एक सब्जेक्ट का आप 500 या 600 देते होंगे, मैं आपको बताता हूं 525 रुपए महीना आपको पूरे सब्जेक्ट का, UP SSSC की बात कर रहा हूं, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग फीस है, लेकिन अन्य जगहों से जितना भी आपको रिसर्च करना है कर लो, सर्च करने के बाद जब आप देखोगे तो आपको अनअकैडमी पे सबसे सस्ता मिलने वाला है। सो गाइस, ये है इकोनॉमिकल। उसके बाद
आपके घर पे मिलेगा, कहीं आने जाने का हो सकता नहीं, कोई किराया नहीं लगाना है, कहीं दौड़ना भागना नहीं है, गाड़ी से जा रहे हो कहीं कुछ हो गया, पापा को अलग टेंशन, मम्मी को अलग चिंता, और कहां जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को अलग चिंता। इसीलिए अपने घर पे हूं भैया, वीडियो कॉल करके दिखा दो, देखो घर पे हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, कहां पर, अनअकैडमी पे, और तुम भी बहुत बतियाओ मत, तुम भी लगाओ अनअकैडमी, तुम भी पढ़ाई करो, उसको भी डांटो, वो भी पढ़ेगा। आपके घर पे मिलेगा आपको बेस्ट, ऑल टॉपिक कवर, जितनी चीजें आपको आने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे टॉपिक क्या करा दिए जाएंगे, कवर करा दिए जाएंगे। डिफरेंट प्लेटफॉर्म है हमारे पास, आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं हमारे साथ, आप स्पेशल पे पढ़ सकते हैं, और हमारे साथ अपन अकेडमी प्लस पे पढ़ सकते हैं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप चाहो वहां पे पढ़ सकते हो, इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। सो ये सब फायदे आपको किस पे मिलने वाले हैं, अनअकैडमी पे मिलने वाले। सो गाइस, अगर आप अनअकैडमी प्लस पर चाहते हो आना तो देख लीजिए, मैंने आपको कहा ना सबसे सस्ती फीस है, आप यहीं पे देखो। अगर मैं यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी की बात करूं, आपको अगर मैं यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी की बात करूं तो 12 महीने की आपको फीस कितनी दिख रही है, 7000 रुपीज दिख रही है। लेकिन ये 7000 रुपीज दिख रही है, लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं, कोड क्या है, 10DP, या तो आप ये वाला कोड यूज कर लो, अगर ये पसंद नहीं आ रहा है तो आप ये कोड यूज कर लो। यहां पर आपसे कहेगा नीचे रेफरल कोड डालिए, नीचे पूछेगा क्या आपके पास कोई रेफरल कोड है, हैव रेफरल कोड, तो आप या तो ये लिख दीजिएगा या फिर ये लिख दीजिएगा। दोनों लिखने से, दोनों में से कोई एक लिखना ही नहीं कि दोनों लिख दे रहे हो, दोनों लिख दोगे कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं मिलने वाला, एक लिखना है, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो। क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और 10% का डिस्काउंट मिलने के बाद आपकी फीस कितनी हो जाएगी, 6300 रुपए हो जाएगी। 6300 रुपए, 6300 रुपए कितने की, एक साल की, 12 महीने की, मतलब एक महीने की फीस कितनी, 525 रुपए महीना। सोचो सब कुछ, ये जितनी चीजें मैंने बताई है ये सब कुछ आपको मिलेगा कितने में, 525 रुपए महीने में। सो गाइज, ये बहुत इकोनॉमिकल है। अब मुझसे पढ़ना है अगर, तो मैं अपनी क्लास आपकी टाइम बता दूं कि 12 बजे, मैं अपनी टाइमिंग आपको बता देता हूं, 12 बजे दोपहर, 12 बजे नहीं सॉरी, 9 बजे आपको, मैं आपको मिलूंगा कहां पर, अनअकैडमी प्लस पर। प्लस पे वही बच्चे देख पाएंगे बेटा जिन्होंने पेमेंट किया होगा, जो पेड क्लासेस होंगे, जिन्होंने ये वाली फीस जमा करी होगी, वही बच्चे मेरे साथ प्लस पे पढ़ सकते हैं। सुबह 9 बजे विधान परिषद की स्पेशल हिस्ट्री लेके आया हूं, 10 दिनों में आपको इस हिस्ट्री ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपकी हिस्ट्री तैयार हो जाएगी। लेकिन यहां पर दीपावली की छुट्टी नहीं मिलने वाली, क्योंकि 12 तारीख से लगातार आपको पढ़ाने वाला हूं, और 10 दिनों में आपके हिस्ट्री एकदम मक्खन करने वाला हूं। और स्पेशल क्लास की टाइमिंग अगर आप चाहते हो, अगर आप मुझसे लाइव क्लास करना चाहते हो, लाइव क्विज करना चाहते हो, या आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, जीएस का प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मेरे पास आया करिए रात के 8 बजे मेरी टाइमिंग होती है। अब आप अपना टाइम टेबल इस प्रकार बना लो कि रात के 8 बजे क्या कर पाओ, स्पेशल क्लास कर पाओ, लाइव टेस्ट कर पाओ, लाइव क्विजेस कर पाइए, ठीक है। तो वो मैं कराऊंगा, जीएस प्रैक्टिस स्पेशल बैच है जिसमें मैं जीएस के सभी जीएस के प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं में से सवाल आएंगे, और मैं कह रहा हूं आएंगे तो आप करिए उनको प्रैक्टिस। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, दो तरीके की चीजें हम लोग कराते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये दोनों चीजें हैं, और इन दोनों चीजों में से आपके पेपर में आने वाला है। सो जीएस प्रैक्टिस स्पेशल कितने बजे, रात में 8 बजे। यूट्यूब पे भी आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ। आप YouTube पे कब पढ़ेंगे, शाम को 6 बजे से 7:30 बजे। ये हमारा YouTube चैनल है, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम हमारा YouTube चैनल है। इस चैनल पे आप मुझसे शाम के 6 से 7:30 मिल सकते हैं, और यहां पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसकी, हिस्ट्री का भी कराता हूं और रीजनिंग का भी कराता हूं, क्योंकि बच्चे रीजनिंग भी पढ़ना चाहते हैं, तो रीजनिंग के भी प्रैक्टिस आपको कराता हूं। तो ये मेरा टाइम टेबल है, आप नोट कर सकते हैं वीडियो को देख के, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कल आपका दिवाली है, 14 तारीख को
14 फेब को वैलेंटाइन डे होता है, 14 नवंबर को हैप्पी दिवाली है। दिवाली के दिन ही मैं लॉन्च कर रहा हूँ एक यूट्यूब पे एक वीडियो, आप देखिएगा बहुत ही जल्द आएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा दिवाली त्यौहार के साथ महत्वपूर्ण इतिहास जुड़ा हुआ है। वो इतिहास क्या है, वो तथ्य क्या है, वो ऐतिहासिक चीजें क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। आई होप आज आप लोग को समझ में आई होंगी चीजें, और जो मैंने बोला है वो आप फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप ये फॉलो करेंगे तो नो डाउट कि आपका एग्जाम अच्छा होगा। गुड लक गाइस, ऑल द बेस्ट, यू विल रॉक। तुम रॉक करके आओगे, तुम अच्छा करके आओगे, मुझे 100% पता है। सो लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये मोटिवेशनल वीडियो लोगों तक पहुंचे और लोगों के अंदर थोड़ी सी ऊर्जा का संचार हो। चाहिए ना आपको, शेयर करना चाहिए ना, कहते हैं ना शेयरिंग इज अ गुड हैबिट, शेयर करेंगे तो अच्छी बात है, करिएगा जरूर। थैंक यू, गुड लक, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।